Good morning dear students, welcome again to this YouTube channel. In our last video we studied about the treatment of goodwill in case of change in profit sharing ratio, and now we are going to study about the workers compensation reserve and its treatment. तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी गुडविल के ट्रीटमेंट की, गुडविल को हम कैसे एडजस्ट करते हैं इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आज हम बात करने वाले हैं वर्कर्स कॉम्पनसेशन की कि अगर वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको दिया है बैलेंस शीट में या कोई कंडीशन दी है तो आप उसे कैसे सेटल करेंगे. अब ये कंडीशन कॉमन है फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड साथ ही साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. सो नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व, हमें पता होना चाहिए कि वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व आखिर होता क्या है. अब एक्चुअली होता क्या है, व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग इन अ फर्म तो उसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको चोट लग सकती है, वो परमानेंटली डिसेबल हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो फर्म होती है वो वर्कर्स को कॉम्पनसेशन पे करती है. तो उसी कॉम्पनसेशन को पे करने के लिए फर्म ने एक रिजर्व बनाया होता है, दैट इज वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व, एंड इसी रिजर्व से वो अमाउंट जो होती है सेटल करी जाती है इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग विच अकर्स विद द वर्कर. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट डाउन दिस बैलेंस शीट, क्योंकि इस बैलेंस शीट के रेफरेंस के बेसिस पे ही मैं आपको केसेस को एक्सप्लेन करूंगा. तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज अमाउंट्स एसेट्स अमाउंट के फॉर्मेट आपको पता है ये बैलेंस शीट कैसे बनती है. तो यहाँ पर लाइबिलिटीज में आपको एक वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया होगा. अब सपोज मैंने यहाँ पे लिया, इसको एज्यूम किया है 60,000 पे, ठीक है, क्योंकि रिजर्व जो होते हैं वो लाइबिलिटीज होती हैं तो वो लाइबिलिटीज में शो होंगे. 60,000 का यहाँ पे WCR है, वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व को शॉर्ट में हम WCR भी बोलते हैं. तो यहाँ पे WCR में है 60,000. इस बैलेंस शीट को आप नोट कर लीजिए एंड देन अब हम समझते हैं केसेस को. एंड इन दिस केस आई हैव ऑल्सो एज्यूम्ड कि यहाँ पर दो पार्टनर हैं ए एंड बी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 1:1. इट मीन्स कि वो दोनों इक्वल पार्टनर हैं. सो नाउ द वेरी फर्स्ट केस इज कि व्हेन देयर इज नो क्लेम ऑन WCR और देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, या तो क्वेश्चन में आपके कोई भी क्लेम नहीं होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी होती है क्वेश्चन में उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा इसके बारे में, तब आप WCR का क्या करेंगे. अब एक्चुअली ये जो WCR है ये प्रॉफिट्स में से बना है, यानी प्रॉफिट को रिटेन करके बनाया गया है. तो ऑब्वियसली जो ये पुरानी फर्म का प्रॉफिट है इट बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स, तो अगर एडमिशन होगा तो भी ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा. एंड अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया है तो अगेन ये सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट इन केस अगर ये कहा जाता है कि वैल्यूज आर नॉट टू बी कैरीड फॉरवर्ड, तो आपको पता ही है कि आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करके ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो फिलहाल इस केस में जहां पर कोई क्लेम नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वहां पे वील बी पासिंग अ एंट्री जो कि होगी WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. सो एज यू कैन सी वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद ₹60,000, क्योंकि बैलेंस शीट में 60,000 इसकी वैल्यू थी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. अगेन द पॉइंट विच इज टू बी कंसिडर्ड इज दैट कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट मैंने इसलिए यूज किया है बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं ली है मैंने कोई भी, तो मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है. इनकेस अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होता तो यहाँ पर करंट अकाउंट से एंट्री होती. तो हमने इक्वल रेशियो में, यानी कि जो उनका ओल्ड रेशियो था पार्टनर्स का, उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्यों किया? रीजन बीइंग दैट एज देयर इज नो क्लेम द रिजर्व टर्न्स टू बी फ्री एंड वो फिर पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड कंडीशन और सेकंड केस, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑन WCR व्हिच इज लेस देन WCR इन बैलेंस शीट. इसका मतलब है कि क्लेम है वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट लेकिन वो बैलेंस शीट में जो रखा हुआ रिजर्व है उससे कम है. एग्जाम्पल, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज ₹20,000. आप ये समझ सकते हैं कि जो बैलेंस शीट में आपको एक WCR दिया है इट इज जस्ट लाइक अ पिगी बैंक, वो आपका एक गुल्लक है, उस गुल्लक के अंदर पैसे रखे हैं. और वो पैसे आपने क्यों रखे हैं? ताकि जो भी क्लेम होगा उसको आप सेटल करेंगे. तो आप हर बार कंपेयर करेंगे कि क्या ये जो क्लेम है ये क्लेम उस WCR के बराबर है, उससे कम है या ज्यादा है, क्या है. इस सिचुएशन में 20 है, ठीक है, आपके उस गुल्लक के अंदर यानी WCR के अंदर आपने जो अमाउंट रखी है दैट इज 60,000. तो आप बहुत ही इजीली ₹20,000 पे कर सकते हैं वर्कर्स कॉम्पनसेशन को. तो इस केस में सबसे पहली एंट्री जो आप पास करेंगे वो होगी वर्कर्स कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹20,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट WCR अकाउंट विथ ₹20,000. इसका मतलब ये हुआ कि आपने WCR अकाउंट से यानी वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट से ₹20,000 ट्रांसफर कर दिए हैं एक अकाउंट नया क्रिएट करके, दैट इज प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट WCR. अब ये जो प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट WCR होता है ये बैलेंस शीट में यानी नई बैलेंस शीट में शो होगा बिकॉज आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है. अब इसकी सेकेंड एंट्री,
देखिए आपके पास WCR के अंदर जो अमाउंट थी दैट वॉज ₹60,000, आपने उसमें से 20,000 जो है वो ट्रांसफर कर दिया क्लेम के लिए। अब बचे 60 माइनस 20, दैट इज 40,000। तो 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड कंडीशन, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑन WCR व्हिच इज मोर देन वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में जो आपके पास रिजर्व रखा है अगर उससे ज्यादा क्लेम हो जाए तब क्या होगा। एग्जाम्पल है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज ₹70,000। हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में ये चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि जो WCR उसको आप एक गुल्लक की तरह समझ सकते हैं। तो सपोज आपके पास ₹60,000 उस गुल्लक में पिगी बैंक के अंदर रखे हुए हैं। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है, क्लेम हो गया 70 का, यानी ₹10,000 जो हैं वो आपको चाहिए और आप लॉस में चल रहे हैं, ₹10,000 के आपको कहीं से लेके आने हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो होगी वो होगी, सो इन दिस केस सबसे पहले जो हम एंट्री पास करेंगे वो होगी WCR अकाउंट डेबिट विद ₹60,000, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट विद ₹10,000 एंड टोटल अमाउंट दैट इज 70 विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट WCR अकाउंट। अब ये रिवेल्यूशन अकाउंट क्या होता है, ये एक टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है और ये रिवेल्यूशन जो होता है अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे आगे, इसका मतलब ये होता है कि आप दोबारा रिवेल्यू करते हैं एसेट्स को एंड रीअसेसमेंट करते हैं लाइबिलिटीज़ का। इस सिचुएशन में रिवेल्यूशन अकाउंट क्यों आया, उसका एक रीज़न है कि WCR में आपके पास थे सिर्फ ₹60,000 लेकिन जो क्लेम था वो था 70 का। ऐसी सिचुएशन में आपको जो लॉस हुआ ₹10,000 का उससे रिवेल्यूशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, बिकॉज जो रिवेल्यूशन है वो एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट जो है वो डेबिट होता है विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए यहाँ पर रिवेल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया गया है। इस केस एक सेकेंड एंट्री पास होगी बिकॉज आपने जो रिवेल्यूशन में लॉस को डेबिट किया था वो पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा, तो अगेन पार्टनर्स के बीच में वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा और तब हम एक एंट्री पास करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन अकाउंट। ये ₹10,000 से होगी, जो ₹10,000 आपने डेबिट करे थे रिवेल्यूशन में, तो अब यहाँ पे रिवेल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा एंड ये अमाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बिटवीन ए एंड बी एंड नरेशन होगा बीइंग लॉस एडजस्टेड या फिर बीइंग लॉस ऑन रिवेल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड या डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ केस और कंडीशन, when there is a claim on WCR which is equal to WCR in balance sheet, यानी claim against workers compensation reserve है लेकिन वो balance sheet में रखे हुए reserve के just बराबर है। Example, claim on account of WCR is 60,000। Again, WCR एक type का गुल्लक है जो मैंने आपको बताया, पिगी बैंक है, आप उसके साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर ₹60,000 का क्लेम है एंड आपके पिगी बैंक के अंदर भी ₹60,000 रखे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप इजीली 60,000 दे सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास होगी बिकॉज अगेन उस बैंक के अंदर या उस रिजर्व के अंदर आपके पास कोई पैसा बचा नहीं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, साथ ही साथ देर इज़ नो लॉस बिकॉज अगेन क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर हैं, तो आप एंट्री पास करेंगे दैट इज WCR अकाउंट डेबिट to provision for claim against WCR and narration hoga being claim adjusted। I hope aapko ye WCR wala concept samajh mein aaya hoga। Video ko like karein, apne friends ke saath share karein, channel ko subscribe karein agar aapne subscribe nahi kiya hai, taki aise hi upcoming videos aapko milte rahein aur aapki knowledge enhance hoti rahe। Thanks for watching the video।